पिछले दिन पीओसी में राजस्थान को लेके बैठक हुई, लंबी चौड़ी बैठक चली। आप सब लोगों को मालूम है कि वहां विधानसभा के चुनाव नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव साथ में हुए थे, और तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। तो एक बार फिर राजस्थान चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, वहां पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां चल रही हैं। पार्टी ने पिछले दिनों दीपक वाजपेयी जी को वहां राजस्थान भेजा। इन्होंने राजस्थान के लगभग सारे जिलों और लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका दौरा किया, ढेर सारी विधानसभाओं में भी गए, वहां के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जमीन पे क्या राजनीति चल रही उसका भी अध्ययन किया। और अब पिछले तकरीबन 1.5 महीने से आप दीपक वाजपेयी जी वहीं रह रहे हैं, जयपुर में ही इन्होंने घर ले लिया है, और वहीं पे ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी आगे कैसे बढ़े, कौन कौन से जमीनी नेता हैं, कौन कौन से कैंडिडेट होने चाहिए, क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इनका आकलन करके लगातार पार्टी को ये ब्रीफ करते रहेंगे। पार्टी ने यह फैसला किया है कि पार्टी राजस्थान विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उसके लिए कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का काम भी काफी हद तक शुरू हो गया है, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है, उन सीटों का भी आकलन हो रहा है जहां पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्योंकि पार्टी का ये मानना यह है कि पिछले 5 सालों में लगभग 4.5 सालों के अंदर वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में, इसने राजस्थान को सदियों पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे कर दिया। आज वहां का किसान बुरी तरीके से नाराज है, सीकर का एरिया हिंदुस्तान भर के किसानों का के आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। वहां बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 4 गुना बिजली के दाम बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं, दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है वो आपने देखा है। उन सब के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि राजस्थान एक नए विकल्प की तलाश में है। उसने वहां कांग्रेस की भी सरकार देखी है, उसने वहां बीजेपी की भी सरकार देखी है, और उसको ना तो कांग्रेस से कोई उम्मीद है ना ही उसको बीजेपी से उम्मीद है। तो इसके मद्देनजर पार्टी पूरी तैयारी राजस्थान चुनाव के लिए कर रही है, और राजस्थान के बागडोर दीपक वाजपेयी जी को सौंपी गई है कि वो पूरी चुनाव को अपने हाथों में ले और वहीं पे रहें, वहां पे रह के संगठन को मजबूत करें, चुनाव की स्ट्रेटजी तैयार करें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करके उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएं और कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाएं जो पीएससी के सामने पार्टी लीडरशिप के सामने रखी जाएगी, और अंत में पार्टी उस बारे में फैसला करेगी। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मैं पूरन जी से निवेदन करूंगा कि वो राजस्थान के बारे में दो शब्द। राजस्थान के हाथ बहुत खराब है, सरकार एक तरह दिवाली हो गई है, सरकारी होटल को बेचने की तैयारी चल रही है, वहाँ पानी को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पर पानी के दाम 4 गुना बढ़ चुके हैं, बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर करप्शन जबरदस्त बढ़ रहा है, वहाँ पर मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ रही है, जंगल राज बन रहा है, वहाँ पर ये सारे स्थितियाँ हैं, जनता दुखी, वहाँ पर बेरोजगारी जबरदस्त हो रही है। वसुंधरा जी कहा था 15 लाख रोजगार देंगे 5 साल में, अभी तक किसी को रोजगार मिला नहीं है, बल्कि नौकरी हट रही है। सरकारी स्कूलों की हालत वहाँ पर ये है, छतें नहीं है, टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूलें चल रही है, ऐसी बुरी हालत और राजस्थान के अंदर हो रही है। जनता चाहती है बदलाव, कांग्रेस को देख लिया है, उनको देख लिया है, कांग्रेस मजबूरी है, लेकिन हमारे को देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त विश्वास है कि जिस तरह दिल्ली में हुआ है वहाँ भी उनके कायपलट होगी। तो वो अब दीपक वाजपेयी जी को जो बना दिया है और 1-1.5 महीने से लगातार मेहनत करके सब लोगों को देखकर सारा उन्होंने सर्वे भी किया है और ये नतीजा निकला है कि हम आपकी सरकार बनेंगे।